फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए की अपकमिंग हाउसिंग स्कीम जो कि 30 जून से स्टार्ट होने वाली है, उसमें यदि एमआईजी फ्लैट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा एमआईजी फ्लैट्स द्वारका सेक्टर 19B में होने के चांसेस है। यानी कि जो स्कीम आएगी उसमें सबसे ज़्यादा जो एमआईजी फ्लैट शामिल किए जाएंगे उसमें द्वारका सेक्टर 19B के फ्लैट्स जो हैं प्रायोरिटी पर रहेंगे। यानी कि प्रायोरिटी से मेरा मतलब है कि सबसे ज़्यादा फ्लैट्स रहेंगे वहाँ पे। बाकी तो स्कीम स्टार्ट होने पे पता चलेगा कि किस लोकेशन पे कितने कितने एमआईजी फ्लैट्स रखे गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे द्वारका सेक्टर 19B के एमआईजी फ्लैट्स की। आज की वीडियो में हम द्वारका सेक्टर 19B के एमआईजी फ्लैट्स की विजिट करेंगे, उनके फ़ायदे समझेंगे, उनके नुकसान समझेंगे और भी बहुत कुछ हम यहाँ पर जानेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर इन फ्लैट्स के बारे में जो रिव्यू मैं आपको दूंगा वह मेरा अपना पर्सनल रिव्यू होगा, बाकी आप किसी भी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं इन फ्लैट्स की बुकिंग के लिए। फ्रेंड्स सबसे पहले तो इन फ्लैट्स की लोकेशन, इनका एरिया और इसकी कॉस्ट जान लेते हैं कि कितनी कॉस्ट रहेगी। फ्रेंड्स द्वारका सेक्टर 19B के एमआईजी फ्लैट्स के लोकेशन की बात करें तो ये फ्लैट्स द्वारका का जो मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 11 का, द्वारका सेक्टर 11 के मेट्रो स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये लोकेटेड है। और इन फ्लैट्स के एरिया की बात करें तो ये फ्लैट्स 120 स्क्वायर मीटर से लेके 130 स्क्वायर मीटर तक के फ्लैट्स हैं। यानी कि जो प्लिंथ एरिया है 120 स्क्वायर मीटर से 130 स्क्वायर मीटर तक का इसका प्लिंथ एरिया है। और यदि कॉस्ट की बात करें तो इनकी कॉस्ट 1,14,00,000 से लेके 1,24,00,000 तक की इनकी कॉस्ट रहेगी। 1,14,00,000 से 1,24,00,000, एरिया 120 स्क्वायर मीटर से 130 स्क्वायर मीटर, लोकेशन द्वारका सेक्टर 11 के जो मेट्रो स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस इन फ्लैट्स का है। ये फ्लैट्स जिस बिल्डिंग में लोकेटेड है वह बिल्डिंग 10 फ्लोर की है, यानी कि सारी बिल्डिंगें जो है 10 फ्लोर की है जिसमें द्वारका सेक्टर 19B के एमआईजी फ्लैट्स जो है लोकेटेड है। द्वारका सेक्टर 19B के फ्लैट्स जिस अपार्टमेंट में लोकेटेड है उस अपार्टमेंट का नाम है इको हाइट्स रेजिडेंसी। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इन फ्लैट्स का इसके प्रीमिसिस के बाहर से एक व्यू देख लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं प्रीमिसिस के बाहर से इन फ्लैट्स का व्यू। अभी हम फ्लैट के प्रीमिसिस से बाहर खड़े हैं। फ्रेंड्स हमने बाहर से इन फ्लैट्स का व्यू देखा, आप चलते हैं प्रीमिसिस के अंदर, वहां से इन फ्लैट्स का व्यू देखते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं प्रीमिसिस के अंदर से इन फ्लैट्स का व्यू। प्रीमिसिस के अंदर से इन फ्लैट्स का व्यू देखने पे पता चला कि ये फ्लैट्स जो है 10 मंजिल के हैं, यानी कि इसमें 10 फ्लोर है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलते हैं फ्लैट के अंदर और उसमें देखते हैं कि इसमें कितने बेडरूम हैं, कितने बाथरूम हैं, कितने टॉयलेट हैं और भी जो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स फ्लैट के अंदर और देखते हैं। अब चलते हैं हम ज़रा फ्लैट के अंदर। जैसा ही हम फ्लैट के अंदर एंटर करेंगे सबसे पहले हमें ड्राॅइंग रूम दिखाई देगा। ये ड्राॅइंग रूम है, अब देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस है। अब यहाँ पे लेफ्ट में देखेंगे तो आपको आपका टॉयलेट और आपका बाथरूम यहाँ पे अटैच्ड है। ये आपका किचन है, किचन काफी स्पेसियस है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका बेडरूम है, देखते हैं बेडरूम में कितना बड़ा बेडरूम है। अब देख सकते हैं बेडरूम भी एक स्पेसियस बेडरूम है और ये बालकनी का डोर है, हम खोल के देखते हैं एक बार बालकनी कितनी बड़ी है। फ्रेंड्स बालकनी में भी अच्छा खासा स्पेस है। देखिए सामने ही आपका दूसरा बेडरूम है, ये तो आपका, ये आपका बेडरूम दूसरा वाला है। ये बेडरूम भी उतना बड़ा ही है जितना बड़ा फर्स्ट वाला था,
इसमें भी आपका बालकनी जो है आपकी अटैच्ड है। इसकी बालकनी भी एक बार देख लेते हैं डोर खोल के। ये भी काफी स्पेसियस बालकनी है। ये बेडरूम है, इसका डोर खुला हुआ है। डोर के पीछे आप देखेंगे तो आपका आपका टॉयलेट और आपका बाथरूम यहाँ पे अटैच्ड है, यानी सेकंड वाला। पहला तो हमने देख लिया था। पहला आपका जैसे ही आप एंटर करेंगे ड्राइंग रूम से, ये आपका पहला बाथरूम और टॉयलेट था। ये आपका ड्राइंग रूम है, अच्छा खासा स्पेसियस ड्राइंग रूम है। ये आपका किचन है, ये बेडरूम है, किचन बेडरूम टॉयलेट बाथरूम। ये आपका दूसरा बेडरूम, दूसरे बेडरूम में जो अटैच्ड आपका ये टॉयलेट और बाथरूम है। फ्रेंड जैसा कि हमने फ्लैट के अंदर देखा, इसमें दो बेडरूम है, दोनों बेडरूम से बालकनी अटैच्ड है। अंदर जैसे आप एंटर करेंगे आपको एक बड़ा सा ड्राइंग रूम दिखेगा, और ये ड्राइंग रूम लगभग 14 फुट बाई 10 फुट का है। फ्रेंड जैसा कि हमने फ्लैट के अंदर देखा कि इसमें दो बेडरूम है और दोनों बेडरूम बालकनी से अटैच्ड है। एक बेडरूम में आपका टॉयलेट और बाथरूम दोनों अटैच्ड है, दूसरे बेडरूम में टॉयलेट और बाथरूम अटैच्ड ही हैं। जैसे ही आप ड्राइंग रूम से अंदर आएंगे तो लेफ्ट हैंड पे, मतलब ड्राइंग रूम जैसे ही क्रॉस करेंगे तो लेफ्ट हैंड पे आपका बाथरूम और टॉयलेट, मतलब दूसरा बाथरूम और टॉयलेट जो है अटैच्ड है, यानी कि दो बाथरूम है दो टॉयलेट है। बाथरूम और टॉयलेट दोनों अटैच्ड है। एक बाथरूम और टॉयलेट आपके बेडरूम में, दूसरा जो है ड्राइंग रूम क्रॉस करने के बाद एकदम आपके किचन के अपोजिट में। किचन जो है स्पेसियस है जैसा कि आपने देखा। दूसरा आपका ड्राइंग रूम जो है वो भी काफी स्पेसियस है, लगभग 14 फुट बाई 10 फुट इसका एरिया है। बाकी जो आपके बेडरूम है लगभग 12 बाई 10 के आपके बेडरूम है। मैं लगभग मैं बता रहा हूँ, कोई इंच टेप लेके नहीं गया था कि मैं वहाँ पे नाप के आपको मैं बताता, लेकिन लगभग उतना ही है। बाकी आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। बालकनी में भी अच्छा खासा स्पेस है। फ्रेंड्स ये तो हमने देखा फ्लैट के अंदर क्या क्या है। अब चलते हैं इन फ्लैट्स के, मतलब जो ये अपार्टमेंट बने हुए हैं इसके एकदम बैक साइड में, मतलब अपार्टमेंट के प्रेमिसेस के अंदर ही बैक साइड में देखते हैं कि ये देखने में कैसे हैं और वहाँ पे क्या क्या है। फ्रेंड्स हमने फ्लैट को बाहर से देखा, प्रेमिसेस के अंदर से देखा, फ्लैट के अंदर से देखा, और इन फ्लैट्स को बैक साइड से भी देखा। अब फ्रेंड्स जान लेते हैं कि यदि आप ये फ्लैट्स खरीदते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या नुकसान होंगे। हम दोनों बातों पे चर्चा करेंगे कि आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इन फ्लैट्स को खरीदने में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि द्वारका में है। द्वारका अब ऐसा द्वारका नहीं रह गया है कि जो कि आज से 10 साल पहले हुआ करता था, कि पानी की दिक्कत है या फिर कोई प्रॉपर कन्वेंस नहीं है। अब द्वारका काफ़ी डेवलप हो चुका है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आपका जो फ्लैट रहेगा वो रहेगा द्वारका में। और द्वारका से किसी भी लोकेशन पे जाने के लिए, किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका एयरपोर्ट 15 से 20 मिनट का रास्ता है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है, कोई इशू नहीं है। मेट्रो है, मेट्रो पकड़िए सीधा राजीव चौक, राजीव चौक से नेक्स्ट स्टेशन आपका न्यू दिल्ली है। सीपी जाना है, सीपी जाना बहुत ईजी है, यानी कि मेट्रो की कनेक्टिविटी है तो कहीं भी जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आपका एयरपोर्ट जैसे कि मैंने आपको बताया नज़दीक में ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पे हर तरह की एमिनिटीज़ है। यहाँ पे आपको नज़दीक में आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा, आपको स्कूल मिल जाएगा, मॉडर्न पब्लिक स्कूल यहाँ से लगभग 800 मीटर के डिस्टेंस पे है। उसके अलावा एक नया हॉस्पिटल वहाँ पे बन रहा है, यूनिक हॉस्पिटल नाम से एक हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो भी लगभग वहाँ से 900 मीटर के डिस्टेंस पे है। बाकी एक हॉस्पिटल तो आपके फ्लैट से ही दिखेगा, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मार्केट, शॉपिंग मॉल, सारी तरह की फैसिलिटी आपको द्वारका में आपको
मिल जाएगी। बाकी यदि मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो द्वारका जो है एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, जो कि पहले रोहिणी हुआ करती थी। तो द्वारका में हर तरह की फैसिलिटी है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपके अपार्टमेंट के पास में ही आपको पार्क मिल जाएगा, पास में कि आपको बैक साइड में ही आपको पार्क देखने को मिला होगा, जो कि मैंने फ्लैट को बैक साइड से दिखाया था। फ्रेंड्स, ये तो हमने बात की कि इन फ्लैट्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, अब बात कर लेते हैं कि इन फ्लैट्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, यानी कि यदि आप ये फ्लैट लेते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इन फ्लैट्स के नुकसान की बात करें तो ये फ्लैट्स जो है मेट्रो स्टेशन से डिस्टेंस पे हैं, यानी कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लगभग 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। तो आपको मेट्रो से यदि आप आते भी हैं, सेक्टर 11 के मेट्रो स्टेशन उतरेंगे, वहाँ से आपको रिक्शा करना पड़ेगा, तब आपको अपने डेस्टिनेशन पर आप पहुँचेंगे। और यहाँ से भी जाना होगा तो सबसे पहले रिक्शा करिए या फिर अदर कन्वेंस करिए, या फिर आपके पास अपना कन्वेंस है तो वहाँ से मेट्रो स्टेशन पर जाइए, मेट्रो स्टेशन पर आप वहाँ पर उसको पार्किंग में लगाइए, उसके बाद आप मेट्रो पकड़िए, कहीं भी जा सकते हैं। तो इसलिए एक छोटा सा इसका डिसएडवांटेज यह है कि ये मेट्रो स्टेशन से थोड़ा डिस्टेंस पे है। यदि 500 मीटर 700 मीटर का डिस्टेंस रहता है तो वह वॉकिंग डिस्टेंस में कैलकुलेट हो जाता है, बट 2.5 किलोमीटर थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है। दूसरी चीज़ यदि कॉस्ट की बात करें तो हम यहाँ पे कॉस्ट की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि कॉस्ट तो आप किसी भी रियल एस्टेट वेबसाइट से इसको कंपेयर कर सकते हैं कि 99 acres पे क्या है या फिर मैजिक ब्रिक पे क्या इसका कॉस्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट जो है आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि कॉस्ट ज़्यादा है या कम है। इन फ्लैट्स की अदर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस यहाँ पे यह है कि यहाँ पे एक ड्रेन है, इन फ्लैट्स के पास में एक ड्रेन है। चलिए फ्रेंड्स, दिखाता हूँ। ये हम फ्लैट के प्रीमिसेस से बाहर खड़े हैं, ये आपके फ्लैट हैं, देख सकते हैं आप ये फ्लैट। और यहाँ से आप थोड़ा सा बैक देखेंगे तो ये देखिए नाला है, यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखिए नाला है, बस इतनी नज़दीक में नाला, एक बार नज़दीक चल के देखते हैं नाले को, ये देखिए नाला बिल्कुल इन फ्लैट्स के नज़दीक से ही नाला गुजर रहा है। यही जो है इन फ्लैट्स के ना बिकने का सबसे बड़ा रीज़न है। ये नजफगढ़ नाला है जो कि इन फ्लैट्स के बगल से ही गुजर रहा है, बिल्कुल पास से ही गुजर रहा है। अब नाले के पास फ्लैट होना कितना सही है ये तो आप सोच ही सकते हैं, एकदम इसके पास से ही गुजर रहा है, कोई डिस्टेंस नहीं है, लगभग 50 मीटर का डिस्टेंस भी नहीं होगा, एकदम बगल से गुजर रहा है। और जहाँ पे नाला होता है वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपका एसी और आपके फ्रिज हर साल ख़राब होंगे, लीक होते जाएंगे, मतलब उसकी गैस लीक हो जाती है। हमेशा आप देख लेना जो एरिया जो है नाले के आसपास या फिर जहाँ पे ह्यूमिडिटी के आसपास रहता है वहाँ पे आपके एसी और फ्रिज दिक्कत देते हैं। इसके अलावा यदि नाले की तरफ से फ्लैट के डायरेक्शन में हवा बहती है तो फिर स्मेल तो आएगी ना। इन फ्लैट्स को डीडीए ने आज से पहले भी अलॉटमेंट के लिए रखा था, जो कि डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में रखा था, उससे पहले भी रखा था, उससे पहले की स्कीम में भी डीडीए ने इन फ्लैट्स को अलॉटमेंट के लिए रखा था। लोगों को फ्लैट अलॉट भी हुए थे लेकिन लोगों ने सरेंडर कर दिए। जी हाँ फ्रेंड्स, लोगों ने सरेंडर कर दिए थे। उस समय क्या था कि 1 लाख रुपये आप पे करके मतलब 1 लाख रुपये का पेमेंट करते थे और ड्रॉ में शामिल हो जाते थे, और ड्रॉ यदि निकल जाता था तो आपको फ्लैट का अलॉटमेंट हो जाता था पेमेंट करने पे। लेकिन यदि आप अपने अलॉटमेंट को कैंसिल कराना चाहते थे, उस समय की बात बता रहा हूँ, डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 और उससे पहले की स्कीम में बता रहा हूँ, यदि आप अपने फ्लैट को कैंसिल कराते हैं या फिर सरेंडर करते हैं तो आपका 10% अमाउंट कट के बाकी पैसा डीडीए आपको रिफंड कर देता था। तो वहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने फ्लैट्स जो थे सरेंडर कर दिए। डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में भी हुआ था और उससे पहले की भी स्कीम में यही हुआ। डीडीए के जो फ्लैट्स थे 19B के MIG फ्लैट्स, जिन लोगों के निकले थे उन लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने मोर देन 60% लोगों ने इन फ्लैट्स को सरेंडर कर दिया, और डीडीए ने उनका 10,000 रुपये काट लिया और बाकी का 90,000 रुपये उनको रिफंड कर दिया। यहाँ पर डीडीए ने दलील यह दी कि कोविड सिचुएशन थी जिसके कारण लोगों ने इन फ्लैट्स को सरेंडर किया था। अब फ्रेंड्स, कोविड सिचुएशन थी या फिर ड्रेन वाला सिस्टम था, मतलब ड्रेन वाला दिक्कत था, क्या दिक्कत था, क्यों वापस किया, ये तो लोगों को पता होगा जिन लोगों ने इन फ्लैट्स को सरेंडर किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि नाले के साथ फ्लैट रहने से कोई दिक्कत ना हो, बहुत दिक्कत है। दूसरा, ये अनकवर्ड नाला है, कवर्ड भी नहीं है, और इसी कारण से इन फ्लैट्स की सेल नहीं हो पा रही है। डीडीए बार बार स्कीम में इनको शामिल करता है और ये फ्लैट नहीं बिक पाते हैं। लेकिन यहाँ पर डीडीए ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में इनको शामिल किया है, यानी कि लोग इन फ्लैट्स को बुक करने के लिए 4 लाख रुपए पे करेंगे, तो 4 लाख रुपए पे करने के बाद शायद ही कोई बंदा ऐसा होगा जो उसको छोड़ेगा। भाई बहुत हिम्मत चाहिए 4 लाख रुपए छोड़ने के लिए। इसलिए बगल में ड्रेन है, आप चाहें तो एक बार जाके देख भी सकते हैं इन फ्लैट्स को, देख लीजिएगा ज़रूर। यदि ये फ्लैट्स
डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर स्कीम में रखे जाते हैं, जो इसकी स्कीम आती है उसमें रखे जाते हैं, तो आप एक बार जाके जरूर देखिएगा। बाकी नाले के ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका एसी खराब होगा, फ्रिज खराब होगा, और भी कई डिसएडवांटेजेस है, आप देख सकते हैं, यह टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है फ्रेंड्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, न्यूज़ जो है 25 अगस्त 2014 की है। न्यूज़ बेशक 10 साल पुरानी है, लेकिन है द्वारका के ड्रेन के रिगार्डिंग ही। द्वारका ड्रेन इम्पैक्टिंग रेजिडेंस हेल्थ, यानी कि द्वारका का जो नाला है वह वहाँ के रहने वाले लोगों को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रहा है। यह सेक्टर 19B से रिलेटेड तो नहीं है, बट है द्वारका सेक्टर 3 से रिलेटेड, जो कि ड्रेन के पास में बसा हुआ है। रूपचंद सेज ही डिड नॉट हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम बिफोर ही मूव टू द्वारका सेक्टर 3। इन द पास्ट 4 ईयर्स ही हैज़ डेवलप्ड सीवियर अस्थमा विच हैज शॉट अप हिज ब्लड प्रेशर लीडिंग टू कार्डिक अरेस्ट 5 months ago. ही इज़ नाउ पार्शली पैरालाइज। इसमें एक मिस्टर रूपचंद हैं जो कि द्वारका सेक्टर 3 में मूव हुए थे, किसी दूसरी जगह पर रहते थे, द्वारका सेक्टर 3 में आए जो कि नाले के पास में बसा हुआ है। उन्हें सीवियर अस्थमा हो गया 3-4 साल के अंदर ही, और उनका ब्लड प्रेशर एकदम हाई रहने लग गया और उनको कार्डियक अरेस्ट पड़ा और वह उनकी आधी बॉडी जो है पैरालाइज हो गई। आप समझ सकते हैं कि ड्रेन का क्या साइड इफेक्ट है। चांद इज़ अ मेंबर ऑफ द सीनियर सिटीजन ग्रुप इन हिज सोसाइटी। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव डेवलप्ड सिमिलर हेल्थ प्रॉब्लम आफ्टर मूविंग टू पॉकेट 16। इस फ्लैट में आने के बाद काफ़ी लोगों को सेम टाइप की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, जैसे कि अस्थमा से रिलेटेड या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को स्टार्ट हो गई। अ पार्ट ऑफ द अनकवर्ड नजफगढ़ ड्रेन फ्लोज नियर द एरिया गिविंग ऑफ ए टेरिबल स्नैच। द ड्रेन इज अमॉन्ग द मोस्ट पॉल्यूटेड वंस इन द सिटी एंड इज ऑल्सो ए ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटोज। ये तो है ही, जहाँ पर नाला रहेगा वहाँ पर मॉस्किटोज तो रहेंगे ही रहेंगे, तो बहुत पॉल्यूटेड नाला है। अभी LG ने इसे साफ़ कराने की मुहिम तो स्टार्ट किया, लेकिन पता नहीं नाला साफ भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि नाले के पास जो फ्लैट्स रहेंगे वहाँ पे किस किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। इस न्यूज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बेशक न्यूज़ आज से 10 साल पुरानी हो, लेकिन इसका इफेक्ट तो आज भी है ना। नाले का जो साइड इफेक्ट उस समय हुआ था, इस समय भी तो हो सकता है। तो ये आपको इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि नाले के पास में फ्लैट होने के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने द्वारका सेक्टर 19B के MIG फ्लैट्स की विजिट की और इन फ्लैट्स को देखा, समझा, और इनके फ़ायदे नुकसान, इनका एरिया, इनकी कॉस्ट, इनकी लोकेशन, सब कुछ यहाँ पर जानने का प्रयास किया। फिर भी यदि कोई पॉइंट छूट जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा आपको उसका जवाब देने का। दूसरी चीज़, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि HIG फ्लैट्स यहाँ पर क्या है, 19B में कहाँ पर है। फ्रेंड्स, तो HIG फ्लैट्स जो है ना, यहाँ पे जो 19B के जो फ्लैट्स हमने देखे हैं MIG के, वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। वो भी सेक्टर 19B है, लेकिन वहाँ से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और नाला वहाँ से दूर पड़ जाता है। हैं HIG 19B के ही, बट वहाँ से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, जो कि DDA की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में अभी शामिल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उनका काम अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है। वो फाइनल स्टेज पर है, बट उनका काम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। नवंबर में जो स्कीम आएगी उसमें इन HIG फ्लैट्स को शामिल किया जाएगा, और इसके जो ड्रॉ वाली स्कीम रहेगी उसमें शामिल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार। ये यहाँ गाड़ी नहीं रुकेगी, रोकने के लिए मैंने बोला भी नहीं है। और सामने ये क्या है?